दोस्तों अपने पास आ चुका है मोटोरोला एज 50 प्रो और ये वाला फोन लिटरली भाई अपने प्राइस में धूम मचाने वाला है। अभी करंटली इंडिया में 30 से 40 हजार रुपए के अराउंड बहुत सारे फोन्स अवेलेबल है और मोटोरोला एज 50 प्रो इसी के अंदर आने वाला है और मैं भी काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ। और एक बात बताऊं, इस वाले फोन के अंदर वर्ल्ड फर्स्ट काफी सारी चीजें हो रही है, जैसे कि इसका डिस्प्ले दुनिया में पहली बार भाई 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले आ रहा है 1.5K रेजोल्यूशन के साथ। और जिसका कैमरा भी है ना, ये वर्ल्ड फर्स्ट AI पावर्ड प्रो ग्रेड कैमरा। कैमरे की टेस्टिंग करेंगे हम लोग, देखते हैं भाई कितना ज्यादा पावरफुल कैमरा है ये। और तो और ये दुनिया का पहला फोन है जो कि आपको पैंटोन के साथ कोलैब कर रहा है इसके डिस्प्ले और इसके कैमरा के कलर्स के लिए, तो वो भी चेक कर लेंगे। और हाँ भाई, मोटोरोला ने बहुत सारा काम भी किया है इसके साथ, हर एक चीज के बारे में जांच पड़ताल कर लेंगे। प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग मिल जाएगी आपको यहाँ पे, हेलो मोटो की ब्रांडिंग। और एक बात बताऊं, मोटोरोला ने हर जगह पे 120W फास्ट चार्जर मेंशन कर रखा है और इस फास्ट चार्जर देने में भी काफी एक बड़ा सा गेम है। वो वाला पार्ट के लिए वेट करो, अभी अनबॉक्स करते हैं। फोन तो हमने निकाल रखा है, यहाँ पे आपको ये 120 वॉट का काफी बड़ा सा पावर अडैप्टर मिल जाता है और एक टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाएगी। अच्छी क्वालिटी केबल है भाई, महंगा फील हो रहा है। और बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, यहाँ पे कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, दोस्त को चुभाने वाले सुई मिल जाएगी और एक मस्त सा कवर मिल जाएगा। कवर लगाने के बाद फोन की सुंदरता कम नहीं हुई, अच्छी बात है। सबसे पहले आपको फोन का कैच बता देता हूँ। फोन आपको दो वेरिएंट में अवेलेबल होगा, एक है 8 प्लस 256GB वेरिएंट जिसके बॉक्स के अंदर 68 वॉट का फास्ट चार्जर है, और दूसरा जो टॉप वेरिएंट है जो हमारे पास है 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाला है, जिसके अंदर ये 125 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। क्योंकि फोन जिस प्राइस पे आएगा आपको सरप्राइज करने वाला है। और फोन के प्राइस पॉइंट के बारे में बात करें सारे ऑफर्स के साथ, तो ये वाला फोन 30,000 रुपए के अंदर आने वाला है। वीडियो में हम लोग प्राइस के ऊपर चर्चा करेंगे लास्ट में जाके, तो उसके लिए वेट करो भाई, पहले सारे फीचर्स तो देख लो। सबसे पहले बात करते हैं भाई डिजाइन के बारे में। अब मोटोरोला एज 50 प्रो तीन कलर वेरिएंट में अवेलेबल होने वाला है। पहला तो ये है लक्स लैवेंडर कलर और ये सिलिकन वीगन लेदर के फिनिश के साथ आता है। हाथ में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है और एकदम सॉफ्ट टच फील आ रहा है। एक्चुअल में एक महंगा फोन हाथों में फील होता है ये। दूसरा कलर है मून लाइट पर्ल कलर, जो की एक स्पेशल कलर है। ये वाला कलर हैंड क्राफ्टेड है, इटली में एक डिजाइन कंपनी भाई मजू चिली नाम की, उनके साथ कोलैब करके मोटोरोला ने बनाया। और एक ब्लैक कलर है जिसको कह रहे हैं ब्लैक ब्यूटी और ब्लैक लवर्स के लिए अवेलेबल है। बाकी फोन का वेट 186 ग्राम है। हम अपने तराजू पे देख लेते हैं एक बार, देखो भाई 188 ग्राम आ रहा है, क्योंकि 2 ग्राम का स्क्रीन प्रोटेक्टर है भाई, मतलब फोन फुल प्रोटेक्शन के साथ आ रहा है। और जब फोन को हाथ में घूमने वाले हो तो 8.19mm का थिकनेस है इसके साथ, मतलब फोन बहुत ही ज्यादा पतला दुबला है। एक और रीजन के प्रीमियम लग रहा है क्योंकि इसका फ्रेम एल्युमिनियम मेटल का है, जो महंगे फोन्स में ही मिल रहा है आजकल, और लोखंडी फील हो तो रहा है भाई। प्लस फोन आपको चारों तरफ से दिखा देते हैं एक बार। जो डिजाइन है बैकअप बहुत ही ज्यादा मिनिमल सा है, मतलब जो कैमरा अलाइनमेंट भी है ना, ये पूरा कंटिन्यूस फील आता है। बॉटम में यहाँ पे टाइप सी ये स्पीकर और ये है इनका सिम ट्रे, तो आपके लिए एक बार स्विच उभा देते हैं। यहाँ पे आपको डुअल सिम मिल रहा है, मैं अपना सिम इसमें यूज कर रहा हूँ भाई, फोन कंप्लीट घुस कर चेक करने के लिए। प्लस टॉप पे आपको यहाँ पे सेकेंडरी माइक्रोफोन है अच्छी कॉलिंग क्वालिटी के लिए। प्लस साइड में वॉल्यूम रॉकर्स और ये है पावर बटन। तो एक बार इसका फेस अनलॉक चेक करते हैं। फोन अभी बंद है, मैं ऑन कर रहा हूँ, खुल जा रहा है, बहुत ज्यादा फास्ट है। फिंगरप्रिंट सेंसर टैप क्या मैंने खुल जा रहा है, हल्का सा प्रेशर डालना पड़ेगा। सो फोन का बिल्ड एंड डिजाइन तो काफी सही है, कलर कैसा लग रहा है वो आप कमेंट में बताओगे, लेकिन मुझे लगता है कि पैंटोन के साथ कोलैब करके मोटोरोला अपने फोन के साथ कलर्स बड़े अच्छे अच्छे देता है, बहुत डिफरेंट कलर्स होते हैं। और इस डिजाइन को आउटडोर में यूज करोगे बहुत ही ज्यादा तगड़ा लगता है भाई दूर से देखने में। प्लस ये बहुत ही कम्फी है यूज करने में, आपका ऐसे उंगली ना यहाँ पे मस्त रेस्ट करता है, जिसकी वजह से आपको ग्रिप बहुत अच्छा मिलता है। इवन इसको ब्राइट सनलाइट के अंदर यूज करोगे तो भी भाई ये बहुत सटल लुक देगा, बहुत चमके उमके नहीं, तो एक तगड़ा डिजाइन कहूंगा मैं इसको। बिल्ड और डिजाइन की बात हो गई है, तो फोन के अंदर IP68 मिलता है। ओ भाई साहब, जो इस फोन को पूरा पूरा वाटर प्रूफ बनाता है। फोन को 1.5 मीटर तक 30 मिनट के लिए फ्रेश वाटर में आप डाल के छोड़ सकते हो, लेकिन ये सब हरकत रिकमेंडेड नहीं है दोस्तों, क्योंकि क्यों रिस्क लेना भाई, मतलब रिस्क बस है वाटर प्रूफ, तो कभी कभी आपको साफ उफ करना हो तो कर लेना। और अगर डिस्प्ले के प्रोडक्शन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे कोई ऑफिशियल मेंशन नहीं किया गया, लेकिन वीडियो शूट करते टाइम मेरे हाथ से फोन गिरा था एक बार, लकली कुछ हुआ नहीं है इसको। और डिस्प्ले हार्ड टू फील हो रही है, इसको ऐसे साइड वाइड से गिरा सकते हैं, वैसे दोबारा गिराते हैं भाई, 1 2 3, कुछ होने वाला नहीं है सच, तो फोन लंबा चलेगा फॉर श्योर। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले मिला है, जो डेफिनेटली प्रीमियम चीज होती है। आपको कंटेंट देखना है तो साइड में बेजल बिल्कुल भी फील नहीं होता है, और बॉटम और टॉप की जो बेजल भी है ना बहुत कम है, तो आपको फोन का जो फील है पूरा ऑल व्यू आने वाला है। तो जितने महंगे फोन होते हैं वही वाला डिस्प्ले, और ये एक 6.7 इंच OLED डिस्प्ले, 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, और ये 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो फोन यूज करके बहुत ज्यादा आपको स्नैपिंग
काफी और फास्ट फील होने वाला है। और डिस्प्ले की ब्राइटनेस 2000 निट्स के साथ आ रही है, भाई बहुत ज्यादा होता है। अभी हम लोग आउटडोर में इस डिस्प्ले को यूज कर रहे हैं और ये सूरज चाचा के सामने यूज करेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी ज्यादा ब्राइट है, आराम से इसको यूज कर सकते हैं। जो डिस्प्ले के कलर्स भी है ना वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो डेफिनेटली भाई डिस्प्ले पे काम तो किया गया है। और अगर आप यूट्यूब पे कॉन्टेंट देखोगे तो HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन डिस्प्ले में है। अभी हम यहाँ पे 4K HDR में वीडियो प्ले कर रहे हैं, बहुत ही स्मूथ चल रही वीडियो। मैंने बहुत डिफरेंट मोबाइल ट्राई किया है, इसका जो डिस्प्ले ज्यादा नेचुरल कलर प्रोड्यूस करता है क्योंकि ये दुनिया का पहला पैंटोन वैलिडेटेड ट्रू कलर डिस्प्ले है। और पैंटोन जो ब्रांड है भाई कलर्स के किंग है, इन्होंने वैलिडेट किया इस डिस्प्ले को और 1.5K डिस्प्ले है ये, तो कंटेंट की क्लियरिटी और क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस वाला स्टीरियो स्पीकर है, मतलब दो स्पीकर मिलने वाला है। एक बार अपना करंट फेवरेट गाना बजाता हूँ, बादशाह भाई का गाना है भाई ये। डुअल स्पीकर है भाई, टॉप और बॉटम का जो वॉल्यूम है एग्जैक्टली सिमिलर है, तो आपको एक्चुअल में स्टीरियो फील आने वाला है। एक और गाना बजाता हूँ। नाइस भाई नाइस। और स्पीकर के एक्सपीरियंस और मस्त बनाने के लिए यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस वाला भी एप्लीकेशन मिला है। इसको यूज करके अपने स्पीकर को आप थोड़ा सा और कस्टमाइज कर सकते हो। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोन के कैमरा के बारे में। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है और तीनों ही कैमरा यूजफुल है। यूजफुल का मेरा मतलब है भाई मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है 13 मेगापिक्सल का, और ये वाला कैमरा 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस कैमरा है जिससे पोर्ट्रेट फोटोज कुछ इस प्रकार की आती है। ये तो इनिशियली आपने फोटोज देखी है। प्लस इसका सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है जिससे कुछ ऐसी वाइड सेल्फी आ जाती है। और इस सेल्फी में आपको नॉर्मल मोड भी है, नॉर्मल एंड वाइड। और मोटोरोला ने इसके कैमरे पे बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं भाई, तो चलो सभी को टेस्ट करते हैं। हमने सारे कैमरा सैंपल्स को अपने लैपटॉप पे खोल लिया, यहाँ से चेक करते हैं फोटोज एक्चुअल में कैसी आ रही है। स्टार्ट करते हैं सेल्फी से। फोटो में डिटेल्स अच्छी खासी दिख रही है, प्लस जो नेचुरल टोन पे कैप्चर हो रहा है बहुत सही कैप्चर करता है। लिटरली भाई मेरे चेहरे का हर एक दाग दिख रहा है यहाँ पे, जो इस वाला कैमरे में भी नहीं दिखता आपको, क्योंकि भाई ये थोड़ा प्रोसेसिंग कर देता है। नेक्स्ट फोटो ये भी अच्छी लग रही है भाई सेल्फी कैमरा। इवन जो बैकग्राउंड का HDR भी है ना वो बहुत सही लग रहा है, जो लाइट बैलेंस हुआ है, आसमान सही दिख रहा है, क्लाउड सही दिख रहा है, काफी अच्छा कलर बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे। देखो ये एक सेल्फी कैमरा है, कंप्लीट सनलाइट मिल गया था हमने और चेहरे पे बैलेंस अच्छा हुआ है, प्लस डिटेल भी सही आ रही है भाई। देख रहे हो शेडो वेडो सब अच्छा आ रहा है, और ये जो दाढ़ी पे चमक रहा था ना ये सनलाइट सब दिख रहा है। अब ये है पोर्ट्रेट पे फोटो, और पोर्ट्रेट पे स्किन टोन थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट और सुंदर करने की कोशिश करता है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। फोन से सेल्फी नेचुरल आ रही है, कलर भी अच्छा है, बैकग्राउंड में बोके भी मस्त बन रहा है गोल गोल वाला और वाइड भी है। अब कलर्स के बारे में बात करते हैं। देखो भाई थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सैचुरेशन आ रहा है, लेकिन डिटेल्स बहुत ही अच्छी है। ये सारी फोटो 1x की है भाई, और ये फोटो है 2x पोर्ट्रेट मोड की। जूम किया मैंने, डिटेल्स थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन जो कलर्स है और जो पूरा फील है फोटो का वो बहुत ही अच्छा है। ये भी एक 2x मोड की फोटो है, जो पोर्ट्रेट है और जो एज डिटेक्शन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये वाली भी 2x मोड की पोर्ट्रेट फोटो, आप देखो भाई जूम कर रहा हूँ, इसमें डिटेल्स थोड़ी सी ज्यादा बेटर आई है और जो पूरा फील है फोटो का वो बहुत प्रोफेशनल लग रहा है। तो डेफिनेटली मोटोरोला ने भाई पोर्ट्रेट मोड के अंदर ना बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस दिया है इस फोन के साथ, जो मुझे बहुत पसंद आया। और 2x मोड से हमने इंडोर में फोटो कैप्चर की, और देखो ये शोएब भाई की फोटो बहुत ही कमाल की आई है। ये सब 2x मोड की, पूरा बाल का डिटेल्स प्रॉपर आया है, चश्मे पे भी इसने अच्छा खासा काम किया, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल किया इसने, लेकिन ओवरऑल फोटो का जो फील है ना आप देखो बहुत अच्छा है। और डिटेल्स देखो भाई, शर्ट का डिटेल देखो बहुत अच्छा आया है। और ये फोटो आप देख रहे हो 3x मोड की, जो स्पेशल इस वाले लेंस से लिया जाता है। दाढ़ी पे डिटेल अच्छा है, स्किन टोन बहुत प्रॉपर आया है, जो लाइट बैलेंस भी आपको हेड पे है ना बहुत ही सही है, और एज डिटेक्शन भी आप देख सकते हो क्लोजली बहुत अच्छा आया है। और ये सारी फोटो भी 3x मोड की आप देखो, सभी में डिटेल्स प्रॉपर है और कलर्स एकदम नेचुरल टोन पे, ज्यादा सैचुरेशन नहीं कर रहा है, तो पैंटोन का जो कोलैबोरेशन है मोटोरोला का सच में काफी इफेक्टिव है। अब बात करते हैं इसके वाइड एंगल कैमरा की। ये नॉर्मल मोड की फोटो है और ये है वाइड एंगल मोड की फोटो। जूम करूंगा अगर मैं आपको यहाँ पे, तो डिटेल्स भी ठीक ठाक निकाल रहे, अच्छी बात है, कलर्स बहुत ही अच्छा आ रहा है, वाइड एंगल का HDR भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। और ये कुछ और वाइड एंगल की फोटो आप देख सकते हो भाई, वाइड एंगल का जो कैमरा है थोड़ा सा अनकंसिस्टेंट है, थोड़ा सा अपडेट के बाद ठीक हो सकता है, लेकिन भाई और जो क्वालिटी है अगर मैं जूम कर रहा हूँ, देखो भाई क्वालिटी वाइड एंगल के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। और दोस्तों ये कुछ फूल पत्तियों की फोटो है, देखो भाई ये 1x, ये है 2x। अब फूल पत्तियों में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली डिटेल्स तो अच्छे हैं, जो कलर्स भी है ना वो एक्यूरेट है यहाँ पे। तो अगेन अगर आप एनवायरमेंट और नेचर कैप्चर करते हो, मोटोरोला H50 प्रो के साथ कमाल का कैमरा मिल रहा है इस प्राइस में ना, ये बेस्ट कैमरा प्रोवाइड कर रहा है। और अगर बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, मोटोरोला के मोबाइल के अंदर कोई भी एडवर्ट नहीं आता,
आता है। जैसे कि अगर मैं मेन्यू में जाता हूँ, देखो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं है, जो भी डाला हमने डाला है, बहुत ही कम एप्लीकेशन है। मोटोरोला के काफी सारे एप्लीकेशन आपको मिलने वाले हैं, जिसके मोटोरोला सिक्योरिटी एप्लीकेशन है, और ये मोटोरोला अनप्लग जो है ये आपके लाइफ में बैलेंस लाने के लिए, इनकेस आपको फोन कम यूज करना है मोटोरोला अनप्लग यूज कर लो। बाकी आप मोबाइल यूज करोगे, जैसे कि आपको वॉलपेपर चेंज करना, प्रेस एंड होल्ड किया डायरेक्टली आप थीम चेंज कर सकते हो, और ये सारे थीम बड़े ही मस्त लग रहे हैं। प्लस वॉलपेपर चेंज करना है तो आपको एक मेड विद एआई का भी फीचर आ चुका है, कोई फोटो क्लिक करो तो ये आपके लिए स्पेशल वॉलपेपर जनरेट करेगा जनरेटिव एआई को यूज करके। ये सारे ग्रीन एंड ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन है, काफी डिफरेंट लुकिंग वॉलपेपर है ये, और फोन के अंदर आपको काफी और डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। ये सब लाइव वॉलपेपर है, बहुत सारी चीज आप पर्सनलाइज भी कर सकते हो इस बार, फिंगरप्रिंट का एनिमेशन हो गया, लेआउट चेंज कर सकते हो, और एज लाइटिंग का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जब भी आप कर्व फोन यूज करते हो ना, ये एज लाइटिंग बड़ी काम आती है, इवन कि आप लॉक स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर सकते हो इस बार। तो इस बार कस्टमाइजेशन काफी सारा मिला है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी क्लीन हो चुका है, और मोटोरोला का जो लेजेंडरी जेस्चर्स होते हैं वो सब तो मिलेगा ही। और फोन एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस्ड है, और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट है, मतलब आप फोन आराम से 4 साल यूज कर सकते हो, जिसमें सॉफ्टवेयर और एक्सपीरियंस वाइज कोई इशू नहीं होगा। और अब बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 मिला है, ये वाला प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है, 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है, मतलब कि छोटा सा होगा तो बैटरी कम खाएगा और हीट भी कम करने वाला है। ऑप्टिमाइजेशन इस वाले प्रोसेसर का बहुत तगड़ा है। और अगर नंबर्स के बारे में बात किया जाए, गीगबेंच का स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हो, और आंतुतु का स्कोर इसका 7 लाख के अराउंड आया है। प्लस हमने यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटलिंग भी की, पूरा हरा हरा ग्राफ है, इसका मतलब है फोन हीट नहीं करता है। और अगर गर्मी के दिनों में ऐसा ग्राफ मिल रहा है आपको तो फोन का हीट मैनेजमेंट एक्चुअल में बहुत अच्छा है। लेकिन हमेशा की तरह हम लोग बीजीएमआई खेलेंगे और बोलेंगे भाई की परफॉर्मेंस कैसा आता है, बीजीएमआई हमारा टेस्टिंग किंग है। स्टार्ट करते हैं फौरन। बीजीएमआई में गाना बज रहा है क्या आजकल? ठीक है, ग्राफिक सेटिंग्स आपको अल्ट्रा एचडीआर का मिलने वाला है, मतलब मैक्सिमम सेटिंग्स। तो आज देखते हैं कितना सही परफॉर्मेंस आएगा। स्टार्ट, हम थोड़ा पिटाई करके आते हैं। ओ भाई क्या मस्त मारा मैंने, सर फाड़ दिया सर। देखो ये स्कोप कितना फास्ट खोलता है, एक्चुअल में परफॉर्मेंस काफी सही गेमिंग की। पीछे से दोस्तों, आपको गेम खेलना है तो आराम से परफॉर्मेंस इतनी अच्छी आ रही है कि आपको मजा आएगा गेम खेल के। प्लस हमारे गेमिंग चैनल पे सर गेमिंग रिव्यू आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो 1 घंटे कंप्लीट गेमिंग रिव्यू। अभी तो परफॉर्मेंस मुझे बहुत सही लगा, ए मर दिया उसने मुझको। और फोन के बैटरी के बारे में बात किया जाए, 4500 mAh की बैटरी है, पतला दुबला फोन है भाई ये। अब ये वाली बैटरी एक दिन आराम चल जाएगी। प्लस ये जो बड़ा सा आप चार्जर देख रहे हो, 125 वॉट का मोटो एस सीरीज का सबसे ज्यादा फास्ट चार्ज होने वाला फोन है ये, और 18 मिनट में 0 to 100% चार्ज कर सकता है। अब ये क्लेम्ड है, हल्का सा भी लेट करेगा ना भाई तो मैक्सिमम कितना 22 मिनट में, उसको बहुत फास्ट कहते हैं। वैसे हमारे चार्जिंग टेस्ट की वीडियो जल्दी आ रही है, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और बैटरी एक्सपीरियंस की बात की जाए, इनिशियली मैंने जितना फोन यूज किया, फोन का सॉफ्टवेयर बहुत लाइट है जिसकी वजह से बैटरी कंज्यूम कम होती है, हीट ज्यादा फोन नहीं होता है, वो भी आपको बैटरी में हेल्प करता है। वैसे भी हम और यूज करेंगे, फुल रिव्यू में आपको कंप्लीट बैटरी के बारे में बताऊंगा। और 50 वॉट पे वायरलेस चार्ज भी हो जाता है ये वाला फोन, और 10 वॉट का रिवर्स वायरलेस पावर शेयरिंग भी है, मतलब ऐसे फोन जिनका बैटरी कम रहता है उनको आप इसके साथ चार्ज कर सकते हो। अब बात करते हैं फोन के प्राइस के बारे में, जहां पे आप थोड़ा सा शॉक होने वाले हो। देखो फोन आपको 2 वेरिएंट में अवेलेबल है और काफी सारा ऑफर्स भी है, सब बताता हूं। इसका 8+128GB का प्राइसिंग 31,999 rupees है, और 32,000 rupees में आपको ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है नो डाउट। प्लस बैंक ऑफर भी है 2,000 रुपए का, जो इसके प्राइस को 29,999 रुपए कर दे रहा है। और जो टॉप वेरिएंट है अपने पास, 12GB रैम 256GB, जिसके अंदर 125 वॉट का फास्ट चार्जर भी है, मतलब ये वाला वेरिएंट इसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है 35,999 रुपए से। बैंक ऑफर अगेन 2,000 रुपए का मिल जाएगा, जो इसके प्राइस को कर देगा 33,999 रुपीज। और भाई उस प्राइस रेंज में काफी बेहतरीन फोन है। ऑफर की बात की जाए, 2,000 रुपए का आपको बैंक डिस्काउंट है, 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस है अगर फोन खरीदते हो एक्सचेंज करके। प्लस रिलायंस जियो के भी काफी सारे ऑफर्स है, सारे ऑफर्स आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देंगे। और फोन अवेलेबल होने वाला है फ्लिपकार्ट के ऊपर, मोटोरोला के वेबसाइट के ऊपर, और कुछ एक्सक्लूसिव ऑफलाइन आउटलेट्स में, और लीडिंग रिटेल स्टोर्स जैसे कि रिलायंस डिजिटल में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर फाइनल वर्डिक्ट दूं मैं अपना मोटोरोला एज 50 प्रो के बारे में, लास्ट ईयर से ये फोन बहुत ज्यादा अपडेट्स के साथ आ रहा है, कैमरा मुझे बहुत पसंद आया, डिस्प्ले डिजाइन बैटरी हर एक चीज बहुत तगड़ी कर दी है, इवन की चार्जिंग भी काफी फास्ट हो चुकी है, ऑलराउंडर फोन लग रहा है मुझे। और फोन की प्राइसिंग मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन ये 30,000 से 35,000 के बीच में आने वाला फोन है, और उस प्राइस में वैल्यू फॉर मनी है ये फोन, और इसको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। तो भाई इसका डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, प्राइस चेक करो और इस फोन को खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।